नमस्कार, बस्ती बस्ती नगरी नगरी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बागपत में खुद को आईपीएस बताने वाला सेना का जवान गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स थानों में फोन कर अविवाहित महिला कांस्टेबल के नंबर मांगता था और फिर उनसे बातें करता था। आरोपी शख्स खुद को आईपीएस बताकर कई महिला कांस्टेबल का ट्रांसफर भी करा चुका है। मेरठ में तैनात एक महिला कांस्टेबल की शिकायत पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार शख्स महिला कांस्टेबल पर शादी का दबाव बना रहा था। आरोपी सेना का जवान बेंगलुरु में तैनात है, लेकिन खुद को आईपीएस बताकर अविवाहित महिला कांस्टेबल्स के नंबर ही मांगता था। कई के ट्रांसफर भी करा चुका है। कुलदीप जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। कुलदीप, ये शख्स है कौन और कब से इस तरह की हरकतें कर रहा है और आप किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखें बता दूं कि चांदीनगर थाना पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र नाम है और चांदीनगर थाना क्षेत्र की ढिकोली गांव का ये रहने वाला है। बेंगलुरु में आर्मी में जवान तैनात है। और देखिए मैं बताऊं, जिस तरीके से जो आलाधिकारी हैं, एसएसपी हो या बागपत के एसपी हो, उनको कई बार खुद को आईपीएस बता करके कई कांस्टेबलों का एक ट्रांसफर भी करा चुका है। अभी हाल में ही मेरठ में एक रेखा नाम की कांस्टेबल महिला कांस्टेबल है, उसका ट्रांसफर उसने रेलवे रोड थाने में कराया। तो उसके बाद से उसको जो है आपको फोन कर रहा था बराबर आईपीएस बता करके और उस पर जो है शादी का दबाव बना रहा था, जिसके चलते जो लड़की जो महिला कांस्टेबल है उसके भाई ने थाना चांदीनगर में जिसकी शिकायत की, तो उसके बाद ये पकड़ में आया, उसे गिरफ्तार कर भेजा गया। जी चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर छावनी में बरामद शिलांग की लड़की की पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में एसपी ने 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया, जिसमें महिला सिपाही पुष्पा सिंह, नायब दारोगा हरिराम भारती और सिपाही राजमणि दुबे शामिल है। तो शिलांग की लड़की के साथ पिटाई का ये पूरा मामला है और इस मामले में एसपी ने 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया है, जिसमें महिला सिपाही पुष्पा सिंह, नायब दारोगा हरिराम भारती और सिपाही राजमणि दुबे शामिल है। विवेक तिवारी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। विवेक, ये पूरा मामला क्या था और अब किस तरह से जब लाइन हाजिर इन तीनों सिपाहियों को किया गया तो इन पर एक्शन लेने की तैयारी है? विवेक, अगर आवाज आ रही हो तो ये बताइए कि पूरा मामला था क्या और जिस तरह से तीनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है, आगे इन पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये बस्ती के छावनी इलाके में एक लड़की मिली थी पुलिस को और वो मानसिक रूप से कुछ डिस्टर्ब थी। उसको लेकर के जब एसडीएम कोर्ट ले जाया जा रहा था तो उसके दोनों हाथ सिपाहियों ने बांध दिए थे और उसके साथ मारपीट भी की थी। ये खबर जी संगम ने प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद तीनों सिपाहियों को, जिसमें 2 महिला कांस्टेबल भी हैं, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। उस लड़की को पता लगा है कि शिलांग की वो रहने वाली है, किसी तरह से वो यहाँ पर आ गई थी बस्ती में। उसको अयोध्या के नारी निकेतन में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भेज दिया गया है और उसके माता पिता से संपर्क कर लिया गया है। आज या कल तक उसके घर वाले यहाँ पर आ जाएंगे और लड़की को ले जाएंगे। विवेक, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता पिता से संपर्क कर लिया गया है इस लड़की के और माना जा रहा है कि कल या आज में आकर वो इसको वापस ले जा सकते हैं। शाहजहांपुर से खबर है, यहां पर 3 बच्चे तालाब में डूब गए हैं, जिनमें 2 की मौत हो गई है जबकि 1 बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला लखीमपुर के पसगवा थाना क्षेत्र के सुखवसा गांव का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त शाहजहांपुर से, जहां 3 बच्चे तालाब में डूब गए। शिव कुमार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। शिव, कैसे तालाब में डूबे बच्चे? आपको बता दूं, 3 बच्चे थे जो कि तालाब के पास खेल रहे थे और उनकी जो भैंस थी वो भी तालाब में थी। उस भैंस को नहलाने के लिए, खुद नहाने के लिए 3 जो छोटे छोटे बच्चे 9, 8 और 10 साल के ये बच्चे थे जो कि तालाब में घुस गया और क्योंकि पानी बरसात के कारण गहरा था, जिसकी वजह से 1 बच्चा डूबने लगा और दूसरे को बचाते बचाते 3 बच्चे उसमें डूबे। हालांकि वहां पर कुछ लोगों ने एक जो बच्ची थी 9 साल की उसको बाहर निकाला, लेकिन 2 एक लड़का और एक लड़की उस तालाब में डूब गए जिनकी उसमें दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल जो लड़की है उसको शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल अभी नाजुक बनी हुई है। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां पर थाना गहमर के भदौरा में स्कूल बस पलटी है, 15 बच्चे घायल हो गए हैं, 14 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 1 बच्चे की हालत गंभीर है जिसे परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो 14 बच्चे जिन्हें फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई है, 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अब मात्र 1 बच्चा ऐसा है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है इसे। गाजीपुर के थाना गहमर के भदौरा में स्कूल बस पलटी। अनिल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अनिल, कैसी बस पलट गई? जी बता दें कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है और पूरी जमीन जो है गीली है और जो भदौरा का जो रास्ता है वो भी सब खराब है
और आज सुबह जो है स्कूल की जो छुट्टी हुई है, छुट्टी के बाद बस जो है भदौरा से अब मिसवलिया गांव की तरफ बढ़ा है, तो एक तिराहा पड़ता और तिराहे पर जो है अचानक से जो है बस जो है पलट गई है, जिसमें उसमें बच्चे सवार थे सब घायल हो गए हैं। उसे तत्काल जो स्थानीय ग्रामीणों ने जो है उन लोगों को पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले गए हैं, जहां पर 15 बच्चे घायल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों की तत्परता ने जो है 14 बच्चों को 15 बच्चों को जो है तत्काल इलाज किया, जिसमें 14 बच्चे जो है जिन्हें हल्की फुल्की चोट लगी थी उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं एक बच्ची जिसका हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही थी, उसे भी परिजन जो है निजी स्वास्थ्य केंद्र में ले गए हैं। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 14 बच्चे जिन्हें फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन एक बच्चे जिसकी हालत अभी गंभीर है उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही है, जहां पर नकली नोटों के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। कीटगंज थाना क्षेत्र से 5 लाख के नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कार्रवाई एसटीएफ ने की है। दिनेश सिंह जीमी के संवाददाता हमारे साथ हैं। दिनेश, ये 2 आरोपी हैं कौन और कब से ये खेल चल रहा था? देखिए श्वेता, ये इन 2 आरोपियों में से एक बिहार का रहने वाला है और एक गोरखपुर का रहने वाला है। जो पुलिस के पास जानकारी है उसके मुताबिक ये लोग नेपाल के रास्ते नकली नोट लाते थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों में इसको खपाते थे। 5 लाख के इनके पास नकली नोट मिले। नेटवर्क का कुछ पता लग पाया है? जी, देखिए एसटीएफ का कहना है कि इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी करीब 10 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस इनकी तफ्तीश कर रही है, उनकी छानबीन कर रही है। जी चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल से ये नोट लाए जा रहे थे और इसके बाद यहां पर खपाने की तैयारी थी। इनका बड़ा नेटवर्क है, अब उस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश में एसटीएफ। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी का चेहरा होंगे। कानपुर में बीजेपी की समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसका ऐलान किया। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी के देश भर में 11.5 करोड़ सदस्य है, जिनमें 1.86 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने 11.5 करोड़ सदस्यों में से 15 लाख को पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने की बात कही। शाहजहांपुर और बाराबंकी की घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी ने ऐलान किया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अब ऐसी घटनाओं की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। ये टीम ऐसी घटनाओं वाली जगहों का दौरा करके अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी। इस टीम में अश्विनी चौबे, एमजे अकबर, अर्जुन मेघवाल, मीनाक्षी लेखी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि दलितों का उत्थान भी सुशासन का हिस्सा है। साधारणतया हम विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे पास सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में एक बहुत ही आइडियल चेहरा है। हम उनके नेतृत्व में ही अमित शाह जी की संगठन क्षमता के माध्यम से ही हम सारे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार। घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने यहां जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए एक राष्ट्रीय टीम उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी और जहां जहां महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जहां जहां कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उन सभी स्थानों का गहराई से अध्ययन किया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह को सौंपी जाएगी। और ब्रिजेश जी मेरे संवाददाता हमारे साथ। ब्रिजेश, ये कहें कि ये बीजेपी को साफ तौर पे पता है कि अगर उत्तर प्रदेश को साधना है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को ही आगे आना पड़ेगा। हालांकि अमित शाह को लगातार किस तरीके से यूपी में आगे लाने की कोशिश होती रही है ये भी पता है, लेकिन ये बात पुख्ता तौर पर बीजेपी को समझ में आ चुकी है कि अगर जीतना है, दूसरे पार्टियों को पटखनी देनी है, तो फिर चेहरा भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होना चाहिए। देखिए बिल्कुल श्वेता, अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के जो 2 सबसे बड़े चेहरे हैं वो खुद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह हैं, और ये बात बीजेपी को भी मालूम है, बीजेपी के संगठन को भी बखूबी मालूम है कि जब तक हम इन चेहरों को आगे नहीं ले जाएंगे तब तक बीजेपी कम से कम उत्तर प्रदेश में तो अपना आधार नहीं बना पाएगी। और शायद यही वजह है कि अब बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में यही 2 चेहरे, केवल यही नहीं जहां विधानसभा चुनाव है यही 2 चेहरे आगे आकर के इस पूरी पार्टी की अगुवाई करेंगे और इसके साथ ही संगठन इनके साथ खड़ा होगा और संगठन जो इनके दिए हुए दिशा निर्देश हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा। तो अब बिल्कुल साफ हो चुका है, बैठक में तमाम एजेंडे, तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है, खासकर
के जो सक्रिय कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं, जो आपके जो सदस्यता अभियान के जरिए उनको कैसे सक्रिय कार्यकर्ता बनाया जाए, कैसे पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाए और उनके जरिए जनता तक पहुंचा जाए, इस पर अभी पूरी माथापच्ची चल रही है। पिछले चार घंटे से जो है बाकायदा बैठकें चल रही हैं जो है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अमित शाह चूंकि खुद मौजूद हैं, जान रहे हैं कि बीजेपी के आखिर वर्तमान स्थितियां क्या हैं, लोकसभा चुनाव से और अब तक में क्या कुछ हालात बदल चुके हैं, बीजेपी की क्रेडिबिलिटी में कितना फर्क आया है और क्या हम जब 2017 में जाएंगे बीजेपी चुनाव के लिए जाएंगे तो चुनाव में कितनी चुनौतियां होंगी, इन सब बारे में चर्चा हो रही है। भले ही मुद्दा बताया जा रहा है कि जनसंपर्क वो केवल समीक्षा बैठक है सदस्यता अभियान को लेकर, लेकिन वो तो फेस एजेंडा है, हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं नब्ज को भापना है कि आखिर बीजेपी की आज की स्थिति क्या है, आज फीडबैक क्या है, आज जनता बीजेपी के बारे में सोचती क्या, इस तरह के तमाम चीजें हैं। और अमित शाह खुद कुशल रणनीतिकार हैं तो बेहतर तरीके से इस प्रबंधन को कर सकते हैं और यही वजह है कि जब नब्ज टटोलेंगे, मुद्दों को जानेंगे, तभी आगे उस मुद्दों को लेकर के सड़कों पर जा पाएंगे। चुनाव के दौरान उन्होंने खूब नब्ज टटोली थी उत्तर प्रदेश की और यही वजह थी कि जिस तरह से 73 सीटें मिली थी और एक अहम योगदान उनका माना भी गया। चलिए फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में आज समाजवादी पार्टी की दलित रैली है। रैली में पहुंचे एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए मायावती की इजाजत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2012 में चुनकर आए 87 विधायक दलित बिरादरी में से थे, जिनमें से 58 एसपी के थे। आप बता दें कि आजमगढ़ में आज समाजवादी पार्टी दलित रैली कर रही है। मौसम की खराबी की वजह से रैली में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, भले ही मौसम खराब है लेकिन फिर भी, और इससे बहुत सारे लोग ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। इससे पहले एसपी के आयोजन पर मौसम खलल डालता जरूर नजर आ रहा था, लेकिन 12 बजे के बाद धीरे धीरे रैली स्थल पर पार्टी समर्थकों का जुटना शुरू हो गया। 2017 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी प्रदेश के सभी मंडलों में दलित सम्मेलन करेगी, जिसका आज आजमगढ़ से आगाज हो गया है। मायावती जी कहती हैं कि बसपा से जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष, इसके लिए क्या मुझे मायावती जी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? हम तो अपने पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों भी जा रहे हैं, लोग पसंद करेंगे तो बिल्कुल पसंद करेंगे। और इधर लखनऊ में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो के लिए ड्रेस कोड की शुरुआत की है। ड्रेस को निफ्ट राय बरेली ने बनाया है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में रिकॉर्ड समय में मेट्रो का काम पूरा होगा और ये वक्त जयपुर मेट्रो से काफी कम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही यूपी के अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रोजेक्ट लाया जाएगा। एलएमआरसी के एमडी साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ ही साथ निफ्ट का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार ड्रेस को डिजाइन कर करके हमारे एलएमआरसी को एक नई ड्रेस देने का काम किया, नई यूनिफॉर्म देने का काम किया, जहां जिस तरीके से टीम वर्क के साथ, और मैं ये कह सकता हूं देश में सबसे रफ्तार से सबसे तेजी से कहीं अगर काम चल रहा होगा किसी मेट्रो पर तो वो उत्तर प्रदेश लखनऊ और आपके मेहनत आपके सहयोग से। और मुझे भरोसा भी है कि मैं आज कह सकता हूं जैसा नेताजी चाहते थे वैसा ही मेट्रो का काम होगा और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। चित्रकूट के बिहड़ों से एक बड़ी खबर है। बलखड़िया गैंग का सरगना स्वदेश पटेल उर्फ बलखड़िया के मारे जाने की खबर है। चंबल के बिहड़ों में सबसे बड़े डकैत बलखड़िया की हालांकि डेड बॉडी नहीं मिली है, जिससे पुलिस ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन चित्रकूट पुलिस ने बलखड़िया के भतीजे से हुई पूछताछ के आधार पर यह आशंका जताई है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 1 प्राइवेट ड्राइवर घायल हुआ था। पुलिस को आशंका थी कि इस मुठभेड़ में 1 डकैत भी घायल हुआ था, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं चल पाया था कि वो डकैत कौन था। अब बलखड़िया के भतीजे पुष्पेंद्र पटेल की गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया है कि घायल बलखड़िया की मौत हो गई है और गिरोह के ही सदस्यों ने उसे जंगल में ही जला दिया है। साथ ही पुष्पेंद्र के भतीजे ने यह दावा किया है कि उसने बलखड़िया के शव का फोटो भी देखा है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान बिखरे खून का पुलिस ने सैंपल कलेक्ट कर लिया है, जिसे अब डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि जब तक उन्हें सबूत नहीं मिल जाते वो पुलिस रिकॉर्ड में बलखड़िया को मृत घोषित नहीं करेंगे। 2 तारीख को जब मारकुंडी थाना एरिया में बलखड़िया की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, उसके बाद से ये लगातार खबरें आ रही है कि गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुछ बलखड़िया के परिवारजन हैं, उनसे संपर्क किया गया है तो उन्होंने बताया कि बलखड़िया की
मृत्यु हो गई है, लेकिन इसको अभी पुष्टि होना बाकी है क्योंकि गैंग पहले भी एक बार अपने एक मेंबर की मौत की खबर चला के और उसको इलाज के लिए बाहर भेज के उसका इलाज करवा चुका है। तो इस पहलू से भी देखा जा रहा है, दोनों खबरें बार बार आ रही है। अंबेडकर नगर में 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। परिजनों की तहरीर पर गांव के 63 साल के बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा गया है। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद गणेशपुर गांव का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर गांव के 63 साल बुजुर्ग आरोपी पर गिरफ्तारी के लिए केस दर्ज किया गया है। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में बीती रात शास्त्री नगर में पोल पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहे लाइन मैन की करंट लगने से मौत के विरोध में सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने गोरखपुर सोनौली राज्य मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। जब इसकी सूचना सदर सांसद योगी आदित्यनाथ को लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर मृतक के परिवार वालों को सांत्वना दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद ही जाम खुला। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अपने साथी को जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। गोवर्धन थाने की पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। फायर ब्रिगेड के ड्राइवर केपी सिंह और सिपाही ओवेंद्र की अधिक मास मेले में ड्यूटी लगी थी और किसी बात पर झगड़ा होने के बाद ड्राइवर केपी सिंह ने ओवेंद्र को डंडे से जमकर पीटा। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को गंभीर चोटों के मद्देनजर मथुरा जिला अस्पताल में रेफर किया गया। रास्ते में गिर गई, कहाँ घूम रहे हो या और वहीं पहले तो वहीं मारपीट शुरू। फिर वह रिक्शा और लगा घूम गया तो वहाँ कमरे पहुँचाया, कमरे बंद कर दी, कुंडी उसे भेजा दिया वहाँ से। अकेला था, हाँ खाली हाथ तो उसके हाथ में लंबा था, तो कमरे कुछ था ही नहीं। क्या क्या चीज़ बात था, कमरा ये रोड स्टैंड के पीछे तो है। हाँ, डंडों से मारा आपको। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में रहने वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस योजना की शुरुआत की। योजना के तहत प्रदेश के सभी गांव में हफ्ते में 2 दिन गर्भवती महिलाओं की सभी जांच की जाएगी, साथ ही गांव के बच्चों को पुष्टाहार दिया जाएगा। योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा स्वास्थ्य कर्मचारियों और ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा जाएगा। योजना को सही तरीके से चलाने के लिए जिले के अधिकारियों को गांव अलॉट किए जाएंगे। केंद्रों पर तैनात एएनएम के जरिए ब्लड शुगर हीमोग्लोबिन जैसी जांचें गांव में ही की जाएंगी। ये ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण सरकार की योजना है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव महोदय विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें अन्य विभागों को भी जोड़ा गया है, जिससे कि जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच एवं उनके पोषण की तरफ, जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण और उनके पोषण का पूरा ख्याल रखा जाए और कुपोषण से उन्हें बचाया जाए। ज्यादातर सरकारी संस्थाओं में अब नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन का चलन है। ऐसे में सड़क किनारे रोजगार आवेदन फॉर्म बेचने वालों की हालत खस्ता है। दुकानदारों की कमाई पर काफी असर पड़ रहा है और उस पर ऑनलाइन किताबों के चलन ने इनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। और ऐसे में फॉर्म बेचने वाले भी ऑनलाइन फॉर्म भराने के धंधे को अपना रहे हैं। हालांकि प्रतियोगी छात्र ऑनलाइन व्यवस्था से खुश हैं। ऋषिकेश में तेज बारिश के चलते हादसा हुआ। यहां पर मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक छात्रा का पैर फिसलने से नाले में जा गिरी और बहती चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल कविता और उसके साथी श्रीनगर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर लौट रहे थे और ऋषिकेश में वो लोग खाना खाने के लिए उतरे और इसी दौरान कविता का पैर फिसल गया और वो नाले में जा गिरी।